हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपने अपना पुराना कार्य भी पूरा कर लिया होगा। बच्चों, अब तक हम अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई और छोटा ऊ बनाना सीख चुके हैं। आज हम बड़ा ऊ सीखेंगे। आओ जाने हम बड़ा ऊ दिखता कैसा है, उसे कौन कौन से शब्द शुरू होते हैं और इसे कैसे बनाया जाता है। तो आप अपने साथ अपनी हिंदी पुस्तक अक्षर खेल भाग एक, पेंसिल, इरेजर और क्रियॉन्स लेकर तैयार हो जाइए। यह है ऊ, ऊ से ऊंट। बच्चों, आपको पता है ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊंट बहुत समय तक बिना पानी पिए रह सकता है। उसे उदबिलाव, उसे ऊपर, उसे ऊन। ऊन से स्वेटर बनाए जाते हैं जो हमें ठंड से बचाते हैं। बच्चों, अब आप अपनी किताब का पेज नंबर 21 खोलिए। यह है पेज नंबर 21। यहाँ पर आप सबसे पहले आज की दिनांक लिखेंगे, ऊ में, ऊंट में और ऊन में रंग भरेंगे। उसे ऊन हिलाई रानी, मेरी टोपी बुन दो नानी। उसे ऊन हिलाई रानी, मेरी टोपी बुन दो नानी। आओ बच्चों, अब हम ऊ बड़ा ऊ बनाना सीखें। बड़ा ऊ बनाने के लिए चार चरण होते हैं। 4 steps। हाउ मेनी स्टेप्स? 4 steps। पहली स्टेप में हम एक उल्टा सी बनाएंगे जो पहली डॉटेड लाइन से शुरू होकर दूसरी डॉटेड लाइन को छुएगा। इस तरह। दूसरी स्टेप में हम एक और उल्टा सी बनाएंगे जो दूसरी डॉटेड लाइन से शुरू होकर तीसरी डॉटेड लाइन को छू लेगा और पीछे जाकर दूसरी डॉटेड लाइन को छुएगा। बहुत अच्छे। तीसरी स्टेप में हम एक कर्व बनाएंगे जो दूसरी डॉटेड लाइन से शुरू होकर नीचे जाकर तीसरी डॉटेड लाइन को छू लेगा। इस तरह। चौथी स्टेप में हम एक आड़ी रेखा, एक स्लीपिंग लाइन खींचेंगे। इस तरह बन गया ऊ। बहुत अच्छे बच्चों, अब हम ऊ का अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने के लिए आप अपनी किताब का पेज नंबर 22 खोलिए। यह है हमारा पेज नंबर 22, पेज नंबर 22। यहाँ भी हम सबसे पहले आज की दिनांक लिखेंगे। बच्चों, अब तो हमें ऊ बड़ा ऊ बनाना आ गया है। इस पेज पर हम ऊ बनाने का अभ्यास करेंगे। पहली स्टेप में हम एक छोटा सा उल्टा सी बनाएंगे पहली और दूसरी लाइन के बीच में। दूसरे स्टेप में हम एक और उल्टा सी बनाएंगे दूसरी और तीसरी लाइन के बीच में और पीछे जाकर दूसरी लाइन को छू लेंगे। अब हम एक छोटा सा कर्व बनाएंगे जो दूसरी डॉटेड लाइन से शुरू होकर तीसरी डॉटेड लाइन को छुएगा। अब हम एक छोटी सी आड़ी रेखा, स्लीपिंग लाइन खींचेंगे। इस तरह बन गया ऊ। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। एक बार और बनाए। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। बहुत अच्छे बच्चों, इसके आगे का पेज आप स्वयं ही पूरा करेंगे। ओके, गुड।
अब आप अपनी किताब का पेज नंबर 23, पेज नंबर 23 खोलिए। यह है पेज नंबर 23, पेज नंबर 23। यहाँ भी आप सबसे पहले आज की दिनांक लिखेंगे, उद्बिलाव में रंग भरेंगे और ओ बनाने का अभ्यास करेंगे। बच्चों, अब हम ऊ बड़ा ऊ बनाना सीख चुके हैं। घर पर इसका अभ्यास कीजिएगा। थैंक यू।